अब yes. इसकी हाइट 10 मीटर है, ये देखने में महसूस नहीं हो रहा है कि इसकी हाइट 10 मीटर हो। शाहजहां के टाइम के अंदर ये गोल्ड का था, सोने का था, इसको ब्रिटिश लोग निकाल के ले गए और ब्रास करे। ये जो दो महीना गुम्बद गोल गोल देख रहे हो yes. ये सिंगल नहीं है, इसके नीचे भी एक गुम्बद है। जब लोग बाग अंदर जाते हैं तो एक दूसरे का नाम लेते हैं तो इसके अंदर इको साउंड सुनाई देता है। 15 सेकंड तक इसके अंदर आवाज गूंजती, ठीक है? इको साउंड समझते हो? आवाज डीजे। ताजमहल के अंदर जो चार कब्र हैं, चार कब्र जो असली कब्र है शाहजहां मुमताज के, वो नीचे की साइड में है। क्योंकि मुसलमान की जो बॉडी होती है जमीन के 7 फीट नीचे होती है। पिछले 10 साल से कोई भी अंदर अलाउ नहीं है क्योंकि नीचे की साइड में काफी कम जगह है। लेकिन 400 साल पुरानी सोच देखिए, उन्होंने डुप्लीकेट कब्र बनाई। मुमताज की कब्र शाहजहां ने बनाई और शाहजहां की कब्र उनकी बेटी जहान आरा ने बनाई। तो डुप्लीकेट कब्र क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई गई कि अगर डुप्लीकेट कब्र नहीं बनती तो नीचे असली कब्र है, हम उसके ऊपर पैदल चलते। शमशान घाट में जाते हैं, कन्वेंशन प्लेस पर जहाँ पर बॉडी को जलाया जाता है, वहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी धर्म का किसी भी जात का पैर नहीं रखेगा। जो लोग देखते हैं वो डुप्लीकेट कब्र देखते हैं, उसी तरह की असली कब्र बिल्कुल उसके नीचे है। देखो बेटा, ये चारों साइड में मीनार नजर आती है आपको। देखो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये कुछ बाहर की साइड में झुकी हुई है। देखो गौर से देखो, हाँ बाहर की साइड में झुकी हुई है। ऐसा क्यों? कि कभी भी कोई भूकंप आएगा, भूकंप जानते हो, भूकंप तो ये टावर जो है बाहर गिर जाएंगी। मेन स्ट्रक्चर को उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, मेन बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है? देखो लेफ्ट हैंड साइड में मस्जिद है, इसी तरह की इमारत उन्होंने लेफ्ट की साइड में बनाई, उसको कहते हैं मेहमान खाना। लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं था, बैलेंस के लिए बनाया, अच्छा लगे, सुंदर लगे, समझे भाई? मस्जिद है, ताजमहल है, इधर की साइड में कोई इमारत नहीं है तो आपको सुंदरता नजर नहीं आएगी। ताजमहल को आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको एक तरह नजर आएगा। फोटो आगे फोटो आएगा।